मेरा काम है लिखना, मैं लिखूंगा, आपको अच्छा नहीं लगता डूब मरिए। और आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसके अंदर 99% गलती मीडिया की है, 1% गलती मैं सरकार की मानता हूँ। पुलिस कब अच्छा काम करती है? इस देश के अंदर अभी जितने भी पूरा कैबिनेट है उनको पता ही नहीं वो कौन है, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं वो प्रधानमंत्री हैं। ऐसे एंटी नेशनल को एक इतने बड़े सदन का मुखिया बने देने रहना चाहिए। ओम बिरला एक नंबर के तुच्छ व्यक्ति हैं, जो दलित है वो 5000 साल से श्रेष्ठ बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग झारखंड भवन पर मौजूद हैं। तबरेज़ अंसारी की मौत को लेकर के यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें कि मांग की गई है कि इस तरह की मॉब लिंचिंग और इस तरह की भीड़ हत्याएं ना हो। कई सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। हमारे साथ पत्रकार प्रशांत कनौजिया मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। प्रशांत जी, आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई में कहीं कोई समस्या आई है जिसको लेकर के आप इस प्रोटेस्ट में शामिल? कब अच्छा काम करती है, यही बहुत बड़ी सवाल है कि पुलिस की अपनी कोई सोच नहीं है। पुलिस एज ए इंस्टीट्यूशन इज़ ए ब्रेनलेस बॉडी, वो वही करती है जो सरकार उसे करने के लिए कहती है। झारखंड के अंदर जो गृह मंत्रालय है वो रघुवर दास के पास है, तो जो पुलिस है वो रघुवर दास के अंडर में काम करती है, उसके आदेशों का पालन करती है, और जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी से है जो कि रघुवर दास की पार्टी का है। तो आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक बायसनेस आ जाती है, क्योंकि रघुवर दास ने तो पब्लिक के सामने संविधान की शपथ ली है लेकिन अंदर जाके उन्होंने आरएसएस की वो शपथ ली है कि मैं संविधान को नहीं मानूंगा। जितनी भी शपथ उन्होंने खाई है उन सबको ना मानने की उन्होंने सौगंध खाई है, जिसका नतीजा ये भुगत रहे हैं। और सबसे दुख भरा ये था कि जब वो जेल से छूट कर आए तो उनका फूल माला से स्वागत हुआ। हमारे देश के अंदर सैनिक मर जाते हैं उनको आप एयरलिफ्ट नहीं करते, कोई मंत्री जाता नहीं घर पे मिलने के लिए, और ऐसे आरोपी गुंडे किस्म के लोग छूट कर आते हैं, उनको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। दरअसल ये उनको लेजिटिमाइज़ करते हैं कि ये लोग बहुत एक्टिविस्ट हैं, ये लोग हमारी पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं, आगे चल के इनको जिला पंचायत का टिकट देंगे, आगे चल के MLA का टिकट देंगे। तो पॉलिटिक्स में जब आपके पास कोई विजन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और लोगों के नज़र में आना चाहते हैं कि जितना आप दहशत पैदा करेंगे उतना आप कमज़ोर तबकों को डरा कर वोट लेंगे। तो ये एक पूरा रचा रचाया प्रपंच है सरकार द्वारा, जिसको हमें समझने की कोशिश करनी होगी। और आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसके अंदर 99% गलती मीडिया की है, 1% गलती मैं सरकार की मानता हूँ। टेलीविज़न पर 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हिंदू मुसलमान डिबेट करना, जिस प्रकार हमारे जो गोदी एंकर्स हैं वो जिस प्रकार यहाँ डिबेट करते हैं, इस देश के अंदर उसने क्या बनाया? टीवी से लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। बचपन में हम लोग देखते थे शक्तिमान आता था ना, तो शक्तिमान के समय में बहुत बच्चे बिल्डिंग से कूद जाते थे ये सोचते हुए कि शक्तिमान आएगा बचाएगा। तो हमारे समाज में टीवी का बहुत बड़ा एक योगदान है माइंड को मोल्ड करने में। तो टेलीविज़न पर रोज चैनलों पर क्या आ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, दलितों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप जितने एंकर हैं 2 अप्रैल के मामले में आप देख लीजिए किस प्रकार उनका स्टैंड था, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग क्या सीखेंगे? आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दंगल हल्ला बोल जैसे कार्यक्रम से लोग क्या कुछ अच्छा सीखेंगे? क्या वो दंगा ही करना सीखेंगे? तो जहाँ तक पुलिस ये कह रही है कि उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, पुलिस तो सलमान खान के मामले में भी था कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, तो ये बहुत बड़ा, पुलिस तो वही कर रही है जो सरकार ने आदेश दिया। और ये काम इसलिए किया गया है ताकि दरअसल उनकी पार्टी का सदस्य है तो रघुवर दास की तो नैतिक जिम्मेवारी है अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की, वो हर संभव प्रयास करेंगे, दुरुपयोग करेंगे शासन प्रशासन का, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो 302 को 304 क्या बना रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट भी बता सकते हैं। और जब आदमी मॉब लिंचिंग होता है तो डेथ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इंटरनल इंजरी हो सकती है, हेड ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब आपको 100 लोग मारते हैं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है, इसको मेडिकल कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और 304 तब्दील करना दरअसल और लोगों को प्रोत्साहित करना है कि तुम लोग भी कर लेना मॉब लिंचिंग, तुम भी बच जाओगे। अच्छा प्रशांत जी, मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूँगा कि अभी लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि ब्राह्मण जन्म से ही सर्वोच्च होते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर अभी जितने भी पूरा कैबिनेट है उनको पता ही नहीं वो कौन है, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं वो प्रधानमंत्री हैं, पीयूष गोयल को पता ही नहीं वो कौन से मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण को पता ही नहीं कौन से मंत्री हैं, उसी प्रकार ओम बिरला को भी नहीं पता है कि वो लोकसभा के स्पीकर हैं। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों का इस समाज के अंदर शीर्ष स्थान है, तो अपने आप में संविधान के आर्टिकल 15 का वायलेशन कर रहे हैं जो कहता है कि सब लोग एक समान हैं। तो ऐसे संविधान द्रोही आदमी को, संविधान द्रोही मतलब देशद्रोही,
एंटी नेशनल, ऐसे एंटी नेशनल को एक इतने बड़े सदन का मुखिया बने देने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। पर हम इस सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं, वो वहाँ संविधान की शपथ लेते हैं और फिर अंदर जाके आरएसएस की शपथ लेते हैं और आरएसएस की शपथ उनके संविधान के शपथ पर हावी है। तो पहले ऐसे दो शपथ लेने वालों को बाहर करना पड़ेगा, तब ऐसे घटिया लोग, गंदे लोग सदन में नहीं आएंगे। ओम बिरला एक नंबर के तुच्छ व्यक्ति हैं, उनका जो बयान है उसकी कड़ी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है भारत में रहने का, आप अपना अलग मुल्क लीजिए, बनाइए वहाँ जिसको श्रेष्ठ बनाना है। यहाँ सभी लोग एक समान रहेंगे और यहाँ जो दलित है वो 5000 साल से श्रेष्ठ बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो समानता की लड़ाई लड़ रहा है। और आप श्रेष्ठ थे फिर भी श्रेष्ठ होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी लड़ाई दोगली है, झूठी है, और इस देश का बहुजन बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरा है। सरकार ने आपके ऊपर भी बहुत सारे दबाव डाले, आपको जेल लेकर के गए, तो कैसे सर आप इन सब चीज़ों से कैसे निपटे? देखिए, मैं छूटा नहीं हूँ, मैं बेल पर हूँ। ठीक है, मेरे पासपोर्ट को रोक दिया गया है, मेरी एक विदेश यात्रा को रोक दिया गया है। ठीक है, तो मैं छूटा कहाँ हूँ, मैं बचा कहाँ हूँ, मैं अभी तक कैद में हूँ कानून के। मैं सड़कों पे जिंदा चल रहा हूँ, ये आश्चर्य की बात इसलिए क्योंकि मॉब लिंचिंग तबरेज के मामले में कोई कुछ बोलता नहीं है। जिस दिन मॉब लिंचिंग हो जाएगा लोग बोलेंगे हाँ अब सही हुआ है। ठीक है, और कौन बोल रहा है कि मैं स्वतंत्र रूप से घूम रहा हूँ? मैं हर दिन मॉब लिंचिंग के खौफ में घूमता हूँ, मेट्रो के अंदर, बसों के अंदर। और ट्विटर पे तो आपको बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल भी कर रहे हैं जब आप कोई सवाल करते हैं कोई आप सत्ता के खिलाफ। देखो, आपको जनरली क्या होता है, जब आप बात करते हैं ना तो आपको लोग गालियाँ देते हैं, गालियाँ देके वो क्या करते हैं, आपका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आपकी संस्कृति है गाली देने की, पता नहीं वो गाली कहाँ है, मैं जानना चाहता हूँ कौन से पोथी पुराणों में लिखी हुई है, आके आप सुनाते हैं। मेरा काम है लिखना, मैं लिखूँगा, आपको अच्छा नहीं लगता डूब मरिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संविधान मुझे इजाज़त देता है। आप कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले कि मैं क्या लिखूँगा क्या नहीं लिखूँगा? तो प्रशांत जी, अगला सवाल मेरा ये है आखिरी, कि आप तबरेज़ अंसारी के केस में क्या चाहते हैं? तबरेज़ अंसारी के मामले में ये चाहते हैं कि जो आरोपियों को छोड़ा गया है उन्हें पुनः जेल में बंद किया जाए और एक संदेश दिया जाए कि इस देश के अंदर कानून संविधान का राज है। चाहे कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी धर्म से आता हो, अगर उस कानून का उल्लंघन करेगा, वो देश के अंदर अगर इस तरीके के घृणा अपराध करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। और जो भी कानून उसको सज़ा देगा, वो मैं कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं मांगता लेकिन जितनी कड़ी सज़ा हो सकती है उसको देना चाहिए, और ताकि लोगों के अंदर न्यायपालिका पर, न्याय विधान पर लोगों का भरोसा पैदा हो। अगर लोगों ने न्यायपालिका पर से और न्याय विधान पर से लोगों का भरोसा हट गया तो वो भी मॉब में बन जाएंगे। तो फिर जिसकी जहाँ ज़्यादा पावर होगी वहाँ मॉब लिंचिंग करेगा। और अभी तक क्या हुआ है ना, ऐसे दंगों में, ऐसे मॉब लिंचिंगों में किसी MLA, MP या मंत्री का बेटा नहीं मरा है। अभी ये जितने MP, MLA, मंत्री हैं उनका बेटा मॉब लिंचिंग में मर जाए, अगले दिन प्राइवेट मेंबर बिल लेके पहुँचेंगे सदन में कि प्राइवेट मेंबर बिल पास करिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ। तो गरीब है ना, गरीब मरता है, तो गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बड़े लोगों के जब बच्चे मरेंगे ना, तब मैं वही कहता हूँ हमेशा कि वो दंगा सबको अच्छा लगता है जिसमें उसका बाप नहीं मरता। जब बाप मर जाता है ना तो उसको दंगों से घृणा हो जाती है। तो सर, जब ये भीड़ जो है जब जय श्री राम के नारों से स्वागत करती है आरोपियों का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और सत्ता का पूरा समर्थन मिलता है? जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है। ठीक है, उसका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। हमारे समाज में कभी जय श्री राम का कोई नारा ही नहीं था। लेकिन हाँ, सर इस बार तो आपने देखा होगा कि हाँ, संसद भवन में पूरे जय श्री राम के फुलतू नारे लगे हैं। वो मॉब लिंचर ही हैं, वो तो कैमरा लगा है, नहीं तो पता नहीं 2-4 MP अंदर मॉब लिंचिंग भी हो गए होते। इसमें कोई गुरेज करने की जरूरत नहीं है, आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है और बेइज्जती हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए नहीं तो अंदर भी मॉब लिंचिंग की जा सकती है। सदन के अंदर ऐसे ऐसे लोग पहुँचे हुए हैं, उनकी भाषा देखिए, उनकी शैली देखिए, आपको लग सकता है कि वो किस प्रकार के और किस दर्जे के लोग हैं। और हिंदुस्तान के अंदर, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ जय श्री राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ जय महाराष्ट्र का, जय भवानी, जय शिवाजी का नारा लगता था। मथुरा में जाइए राधे राधे का नारा लगता था, हरियाणा में जाइए राम राम का नारा लगता था, हमारे यूपी पूर्वांचल में जाइए वहाँ जय सिया राम का नारा लगता था। उन सभी नारों को ख़त्म करके इन्होंने एक पॉलिटिकल नारा बनाया, जय श्री राम का नारा, जिससे लोगों को ये आस्था की तरफ झुकाव नहीं कर रहे हैं बल्कि मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अपने अपराधों को करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस देश के डाइवर्सिटी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, और अगर इस देश की डाइवर्सिटी ख़त्म हुई तो इस देश का संविधान ख़त्म हो जाएगा, इस देश के अंदर कोई भी बात नहीं कर पाएगा अपने मौलिक अधिकारों की, मानवता की। मुझे लगता है कि इस डाइवर्सिटी को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पत्रकार प्रशांत कनौरिया, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि ये क्या चाहते हैं तबरेज़ अंसारी केस में। वीडियो जर्नलिस्ट सद्दाम के साथ मैं गौरव, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।